वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिनजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहमो करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों आज हम आए हुए हैं अपने सन्नी बाबू के यहाँ और जा रहे थे हम किसी काम से, मैंने कहा चलो यार यहाँ मिलते हुए चले, क्योंकि यहाँ पर अब से पहले दोस्तों हम पहले आए थे और यहाँ पर एक हमने छोटी सी वीडियो का क्लिप ले लिया था, वो हमने इस वीडियो में शुरू में ही आपको इसमें स्टार्ट करके दिखा देंगे। तो वो क्या था, लकवे की बीमारी, ठीक है। अब से तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले हम इधर आए थे यहाँ मिलने के लिए सन्नी बाबू के पास, तो तकरीबन इनके पास 6-7 कबूतर लकवे में आ चुके थे और काफ़ी परेशान थे कबूतर, कुछ सोखे की बीमारी में भी थे, तो इन्हें हम मेडिसिन बता के चले गए थे कि आप ये वगैरह दवाई ले लो जो हमने यूट्यूब पर बताई हुई है। तो कबूतरों को काफ़ी आराम हो चुका है, ठीक है। जबकि क्लिप इसमें शो करेंगे कि कबूतर कितनी गर्दन घुमा रहे, कितने परेशान थे, ठीक है। और तकरीबन अब जो 20 दिनों में जो अब उनको रिजल्ट मिला है, कबूतरों को कितना आराम हुआ है, मैं वो आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो कब दोस्तों से कहना चाहूँगा कि यार कबूतर बीमार हो, अगर नॉलेज ना हो ना तो यूट्यूब पर जाकर देख लो, बहुत इलाज मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको शो करवाता हूँ कबूतरों का जो बीमार थे और अब क्या हालत है उनकी, आ जाए। दोस्तों इसमें जो कबूतर आपको दिख रहे हैं, ये देखिए दोनों सफेद कबूतर ये बैठे हैं और ये कबूतर है एक, ठीक है। तो इसकी आप कंडीशन देखना आप दोस्तों, ये कितना लकवे में कितना तड़पता है ये कबूतर, ठीक है। ये कबूतर है जिसका ये इन्होंने ट्रीटमेंट किया, जो दवाई हमने बताई थी, आराम ना आराम ना। ये कंडीशन देखे आप, ये देखे किस तरह तड़प रहा है, कितना लक हुआ इसको दोस्तों, ठीक है। ये तड़प रहा है और वीडियो में इसको हमने आपने दिखाया है कि बिल्कुल सही हो चुका है ये कबूतर, तो दिखाते हैं आगे वीडियो में। और जी ये साढ़े तारा रारा, ठीक है जी, निंदर भाजी है साढ़े ये, तो आ कबूतर आओ ले अपने नेड़े दिखा। दोस्तों ये वो कबूतर हैं जो लकवे में थे, बहुत गर्दन इनकी घूमी हुई थी, ठीक है। अभी भी मादीन है ये, देखिए इसकी हल्की सी गर्दन है, पीछे वो नर बैठे हैं जिनकी गर्दन बहुत ज़्यादा घूमी हुई थी और ये लाल नर, ठीक है। तो ये कबूतर भी दोस्तों ठीक हो जाएगा जो गर्दन घुमा रहा है, ये लाल बहुत ज़्यादा गर्दन घुमा रहा था, ये ठीक हो गया। ये काले मकोई की गर्दन घूम रही थी, ये देख लो अभी भी टेढ़ापन है, ये भी ठीक हो चुका है। बाकी हम खड़े हैं वो डर रहा है, तो इसीलिए गर्दन थोड़ी टेढ़ी कर रहा है, अगर हम पीछे हो जाएंगे दोस्तों तो ये भी गर्दन सीधी कर लेगा, वो देखिए, ठीक है आपको दिख रहा है। ये हम खड़े हैं, इधर हमारा भाई खड़ा है इधर, ये तो डर रहा है, ये इनसे कबूतर चोंच मार रहा है ये, तो डर के मारो गर्दन टेढ़ी कर रहा है वो, ठीक है। अगर अकेले में छोड़ देंगे तो वो भी गर्दन सीधी कर लेगा, दवाई बहुत अच्छा काम कर रही है, ये देखिए, ठीक है आपको दिख रहा होगा, सीधा होके बैठ गया वो, दिख रहा है दोस्तों सीधा होके बैठ गया वो, खाली कबूतरों से डर रहा है, जो चोंच मार रहे हैं उनकी वजह से वो गर्दन घुमा रहा है, ठीक है। ये देखिए खुजा रहा है ये, तो दवाई ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाया है, ठीक है। ये लाल कबूतर भी आपको वीडियो में शो हो जाएगा जब ये गर्दन घुमा रहा था, गर्दन टेढ़ी कर रहा था, ठीक है। और उधर चलिए उधर बस 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 बस, एक कबूतर दोस्तों ये था, ये देखिए सेट हो गया ये, उस टाइम इसका बहुत बुरा हाल था, गर्दन घूम रही थी इसकी, ठीक है, फुल बेहतरीन कंडीशन में है, बस थोड़ा लगा लो ये 10% रह गया थोड़ा सा, ठीक है हो जाएगा ये सीट, ये देखें, ये सब आपको वीडियो में शो कर दिया मैंने शुरू में भी और आखिर में भी मैं वीडियो शो करूंगा इन्हीं कबूतरों की जो ये बीमार थे, ये देखिए बहुत बुरी हालत थी उसकी इस टाइम जब ये लकवे में था, ठीक है। तो निंदर भाजी आप क्या दे रहे हो इनको कबूतरों में, ये जो आपने बताया था मुझे दवाई के लिए दोस्तों, ये मैं इन्हें बता के गया था, ठीक है दोबारा से देख लें आप, सिफेक्सिम और ओ फ्लोक्सासिन, हम कहते हैं ना GFO, तो ये दूसरी कंपनी की है ये, ठीक है, सिफेक्सिम और ओफ्लोक्सासिन डबल शार्ट में, ये 200 mg की हैं ये, ठीक है। और ये चौथा हिस्सा जो है ये इनको अपना सुबह शाम और इसके साथ में जो है ये नीरोबियान, ठीक है। तो आप दोनों टाइम दे रहे थे, हाँ दोनों सुबह शाम दोनों टाइम, ठीक है। तो और दाना भी बराबर चलता रहा, दाना भी बराबर, तो फर्क बढ़िया चला, रिजल्ट ओके चला, दवाई का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा और जो सोके की दवाई दी थी वो जो कबूतर मेरा पट्टा पर है वो सेट हो गया है, ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो
तो दोस्तों हमने इन्हें सोके की बीमारी का नुस्खा भी यहाँ इनको बता दिया था, ये ले आए थे मेडिकल स्टोर से जा करके। और हम अब 20 दिन के बाद यहाँ लौटे हैं, दोबारा इधर जा रहे थे। मैं कहा देखते चले जो दवाई हमने यहाँ बताई थी उनका क्या क्या रिजल्ट मिला है। तो आपके सामने है, देखिए जो गर्दन घुमा रहा था ये यहाँ सीधा बैठा हुआ है अभी, ठीक है। यहाँ यहाँ नीचे दवाई दे रहे हैं रख के, ये वो लक्का कबूतर है, ठीक है जी। और बाहर मैं इनका जाल दिखा देता हूँ दूर से, ये कबूतरों का जाल जो है इनका ऊपर है, वो रहा जाल। ये देखिए बीमार कबूतर कितने दूर रखे हुए हैं इन्होंने, ये जाल है, ठीक है। वो कबूतर बैठे हुए हैं ऊपर, ठीक है जी, वो जाल है वहाँ ऊपर, और वहाँ अंदर यहाँ कबूतर रखे हुए थे इन्होंने। पूरी सेवा पानी दिल से इन्होंने कबूतरों की, और कबूतर सेट है। ये देखें दोस्तों जो गर्दन ये घुमा रहा था ये बिल्कुल सामने बैठा दोस्तों, ये आगे जो है ये गया होली मरे ना होली का मरे आवाज आवाज। ये देखें तो ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं दोस्तों, दवाई का काफी अच्छा रिजल्ट है। मैं चाहता हूँ मेरा दोस्त कोई भी भाई लकवे की बीमारी का इलाज यूट्यूब पर वीडियो देखें, वहाँ पर अब काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। भूखे पेट, आपने कभी निंदर पाजी भूखे पेट तो दवाई नहीं दी इनको, नहीं जो फीड हमने बताई थी हाँ वो देने के बाद फीड कैसे दे रहे थे? फीड घोल के है आपके पास अभी? खाली फीड के दर्शन करा सकते हो? दिखाओ। हमारे निंदर पाजी फीड लेने गए दोस्तों, जो हमने बताई थी ना कर्म एग फीड, अंडों वाली फीड है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये निंदर पाजी फीड ले आए हैं, देखें दिखा दो दोस्तों, ये वही फीड है कर्मैक फीड, ये खुली भी मिल जाया करती है, ठीक है। 30 रुपये किलो मिली थी इनको ये, और ला के ये इन यही फीड गिल्ली करके पानी में 10-15 मिनट रख के अच्छा उसके बाद इसको हाथ से ऐसे थोड़ा करो, पतली हो जाएगी, थोड़ी अच्छा गाढ़ी नहीं देनी, पतली करके देनी है अच्छा कि बच्चे का पोटा है ना जो जाम ना हो जाए। ठीक है, पानी मिला के दे रहे थे कुपी से, हाँ पानी जैसा समझाया था बिल्कुल वैसे ही। हाँ अच्छा, इसमें एक बात और बता दो, ऊपर आप बच्चों को भी फीड दे रहे हो, बिल्कुल कोई बच्चा कोई मोटा हुआ मुर्गे की तरह? नहीं 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 मेरे पास उड़ रहे हैं बच्चे। उड़ रहे हैं ना, हाँ कितना टाइम मार के आ रहे हैं बच्चे? वे कम से कम अभी तो 4 घंटे के तक। चलो बहुत है, 4 घंटे भी बहुत है, बच्चे उड़ तो रहे हैं ना। हाँ चलो दोस्तों ये थोड़ा बना के दिखा रहे हैं आपको, प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं इन्होंने कैसे दवाई दी और ये कैसे अपना बच्चों को ये सेट कर रहे थे, ठीक है। डाल लिया, ये यहाँ देखिए फीड है यहाँ पर, ये दो बच्चों को देनी है मैंने, ठीक है ओके। थोड़ा ऐसे डालेंगे ना पानी, ऐसे थोड़ा पानी ला के इतना ठीक है, फीड के हिसाब से ठीक हम है 10-15 मिनट रखेंगे। 10-15 मिनट के बाद इसमें ऐसे हाथ मारेंगे, थोड़ा पतला हो जाएगा, ठीक है पतला होने के बाद हम कुप्पी में डाल के बच्चे को दे देंगे। ठीक है, जो दोस्तों अब 10 मिनट के लिए हम वेट करते हैं। तो ये हमारे निंदर पाजी इन्होंने जो है फील्ड तैयार कर ली है, ठीक है। ये फील्ड ये देखें, ये फील्ड इन्होंने इसमें भर ली है, ठीक। और अब ये जो है जो बीमार है उनको ये पिलाएंगे। चलो हम दे, तो ये निंदर पाजी फील्ड देते हुए दोस्तों, ठीक है, ये फीड दे दी इसको, ठीक है। और ये दवाई, ठीक है, ये टुकड़े दवाइयों के जो हमने आपको बता रखे थे, ठीक दे दी सारी दवाई, ठीक है। इन्हें और फीड दे दो थोड़ी जी, दे दो, बस 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 बहुत ये लो जी, पोटा फुल कर दिया निंदर भाजी ने। तो दोस्तों ये वही दवाई जो हमने यूट्यूब पर आपको पहले ही बताई थी, GP.O ओफ्लोक्सासिन और सिफेक्सिन का साल्ट है ये, 200 mg में टेबलेट मिलती है। आपने इसका 1/4 हिस्सा, चौथा हिस्सा इसका देना है, और नीरोबियन आधी गोली, ठीक है। और ये है दूसरा कबूतर, इनकी वीडियो दोस्तों आखिर में शो करूंगा, जो इनकी हालत बहुत बुरी हो रही थी, ठीक है। ये लो और फुल कर दिया,
ठीक है। तो निंदर पाजी दवाई का रिजल्ट आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तो लोगों से कुछ कहना चाहोगे दवाई के बारे में, कुछ जिनके कबूतर बीमार हो जाते हैं भाई, क्या कैसे किस तरह ध्यान रखें? रेगुलर बेशक मुझे 20 दिन तो लग गए, अच्छा 25, लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका दवाई का है, फीड का भी। रच जाते हैं जल्दी जल्दी सेट हो जाए, पोटे में कुछ होगा तभी ये बीमारी के साथ लड़ सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम पिंजरे में पाके छोड़ देंगे, बीमारी पड़ रहेंगे तो कबूतर मर जाएगा, ठीक नहीं होगा, कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा, आपको किसी ने ऐसा भी कहा था कि बीमार लग वाले कबूतर को धूप में रख दो, आपने बताया था? हाँ, बोला था मुझे साइड पे रख दो, जो ठीक नहीं होगा मर जाएंगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हमारे घर में से कोई बीमार हो जाए, क्या बनता है, उसको बाहर फेंक देता है। बहुत बहुत अच्छी बात है, सही कहा आपने। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, बेशक इनका कहने का मतलब कि 20 दिन बेशक लग गए, मगर कबूतरों की जो है ना दोस्तों जान बच गई। ठीक है ना, ये कबूतर है, बाकी दो इन्होंने दूसरे जाल में छोड़ दिए इन्होंने। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, आप वीडियो देखें और जो दवाई इसमें बताई गई वो इस्तेमाल करें, आपके कबूतर जो है पूरा लंचाह ठीक हो जाएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़। बस ठीक है, आराम ना, आराम ना। करती है बारे में।